वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी मासूम केकड़े। समंदर में केकड़ों का एक गिरोह रहा करता था जो बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। एक दफा की बात है, एक चालाक और मक्कार लोमड़ी समंदर के किनारे आकर खूब रोना शुरू हो गई। सारे केकड़ों ने लोमड़ी से जाके पूछा, लोमड़ी बहन, लोमड़ी बहन, तुम क्यों रो रहे हो? लोमड़ी ने कहा, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मैं जंगल से आ रही हूँ। जंगल के सारे जानवर तुम लोगों को खाना चाहते हैं। मैंने सोचा कि मैं तुम लोग की हिफाजत के लिए यहाँ आ जाऊं और मैं तुम लोग को यहाँ बताने आ गई। इस तरह लोमड़ी ने अपनी चलाकी से केकड़ों का एतमाद जीत लिया। अब लोमड़ी और केकड़ों में खूब दोस्ती जमी। लोमड़ी केकड़ों को रोज कहानियां सुनाया करती थी और केकड़े खूब लुत्फंदोज होके कहानियां सुना करते थे। एक दिन की बात है कि बड़ी ही खूबसूरत चांदनी रात थी। केकड़े और लोमड़ी कहानियों से लुत्फंदोज होकर खूब मजे ले रहे थे मौसम के। लोमड़ी ने कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ जंगल की सैर को जाना चाहोगे? सारे केकड़े तैयार हो गए और लोमड़ी की पीठ पे बैठ के सैर को चले। जैसे ही जंगल पहुंचे, लोमड़ी ने रोने की आवाज निकालना शुरू कर दी और देखते ही देखते लोमड़ियों का सारा गिरोह जमा हो गया। और केकड़ों पे हमला कर दिया। सारे केकड़े इधर उधर भागना शुरू हो गए। काफी सारे केकड़ों को तो लोमड़ियों ने खा लिया और कुछ केकड़ों ने अपनी जान बचाकर समंदर का रुख किया। तो देखा दोस्तों, लोमड़ी ने किस तरह चलाकी से मासूम केकड़ों को नुकसान पहुंचाया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें हमेशा अपने ही जैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं फिर एक मजेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।